गई कैसे हो तुझे अपनी मौत से खौफ नहीं है, मौत में आकर साला मौत को भूल रहा है। ये बता मैं मुझे ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, ये बोल इस लड़की को छोड़ गया है तू जा रहा है या नहीं? हराम जादे आज तेरी मौत खींच कर लाई है श्यामो सिंह, वो तो वक्त बताएगा। आज देखता हूँ तो कौन इस लड़की को ले जाता है। हराम जादे अभी फैसला हो जाएगा, बीच में पड़ने की कोशिश मत करो वरना भी मौत। अबे कुत्ते फाड़ कर रख दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा श्यामू। आ जाओ भैया, हमारे रहते हुए आपको शमशीर उठाने कोई जरूरत नहीं है, शमशीर हमें दो और ये डंडा तुम पकड़ो और वह सारे अगर इधर आवे तो एक सारे एक गोली एक कहीं नहीं करे और ये 20 बार चले और ढाई के पेले ऐसा ने चिलांडू भी ठाकुर चरण सिंह क्या कमी ने तुझे मौत से भय नहीं है। सुन लियो लिल्ली घोड़ी की नहीं अललाओ ना हमारे सामने, समझो हम दिहाती लड़ और ऐसा पिलाई पियलब ना कि तुम अपन पूरी ठकुरई भुलाई जाइयो। हराम जादे कमीने मरने के लिए तैयार हो, हम मरब रह दियो। अरे काल को हमने अपने बस में बांधा है, मुझे क्या छुएगा? ओ तू रावण की संतान हो गया था रे। रावण की तो ऐसी की तैसी, ऐसा करो कि अबे टाइम है और जौनी की आयो है वही के पियल जाओ कमीने, और नहीं तो पक्का है हमारे हाथे मरिहल तो मरने के लिए तैयार हो जा। कमीने को मिटाऊंगा, उसके बाद इस कमीने को फिर पुष्पा के साथ जबरन करूंगा। अरे तुम सारे पहले हम हमसे निपट लियो, मरने के लिए तैयार हो जाओ पहुंचियो। ठाकुर चरण सिंह का सामना करेगा तो अरे एक ही बार में साला ढेर हो गया। रुक जा रुक जा रुक जा, ये तुम भैया भाई चलो, ये तुम्हारी बेमानी है। क्यों है तो कोई शतरंज का खेल खेल रहा जो हमारी बेईमानी है? तुम्हारी बेईमानी आया तुम कस के काहे मारे? अच्छा तो इस तरह लड़ेगा साला बुजदिल? अरे सारी लड़ाई तो जोर तोड़ की होनी चाहिए ना, तो हमसे बता दे कसके मारो। मारने के लिए तैयार हो जाओ तो हम और कसके मार।
अरे कौन तरह का सलाहता है तू? यही बरे कहा थी कि अबे अच्छी बात है चले जाओ, अब वही तो तरे जब बैठी है ना। अच्छा पीटी तो पर पार पर पार ऊपर तक का फारा चला जाता है। कमीने मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम चिंता ना करो। बोलो क्या बात छोटू? वही तो गंगा कसम इनके तरह पेड़ी ऊपर की निकल जाता है। बिल्कुल अब देखो अब की इनका भी ना हम पेल नहीं छोड़ अब ना। एका पकड़ो सारे का और पेलो चाहे न पेलो। श्यामू बोल क्या कहना चाहता है? मरने के लिए तैयार हो जाओ। श्यामू सिंह अब भी समय है बोलो और भूल कर भी हंटर उठाने की जरूरत मत करना, वरना अगर हम अपने पे आ गए ना तो तुझको इस संसार में चरण सिंह तुम्हारे तीन टुकड़े करके इसी जमीन पर गाड़ दूंगा, वरना आप भी शराबर से कह रहा हूँ चुपचाप चले जाओ। ठीक है श्यामू सिंह जा तो रहा हूँ लेकिन सोच लेना इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। हंटर मारने की जरूरत मत करना। अरे गोली मत मारना बे, गोली मत मारना। तेरी ही मशीन गन है और तेरा आदमी तो भाग गया। ऐसा नहीं लगे हंटर साले। अरे हमको जाने दे, हंटर उठाने की जरूरत मत करना श्यामू। क्या करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। गर्मी? नहीं 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 गर्मी नहीं, मैं जा रहा हूँ। गर्मी ठीक है लौटिया फसाइए। अरे नहीं यार मैंने हसीराम अब हम कोई लौंडी लौंडी नहीं फंसाएंगे। मैं जा रहा हूँ अपनी हवेली यार। यहीं पे नहीं पूरे ज्वालागढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आज के बाद दोबारा कहीं ऐसी हरकत करते हुए दिखे तो तुम्हारे तीन टुकड़े कर जमीन। नहीं 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 श्यामू भैया एक साथ और है गलती तुम क्यों कि हम की ना? अबे गलती तो हमारी हुई है। तुमसे हुई? हाँ। चौंडिया के घोड़े पर पहुड़ के और थू थू रगड़ के और माफी मांगो नहीं की होगी। नहीं 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 बहुत बेसुरा मारता है साला।
क्या बात है। अब जिसको हम अपनी मेम साहब बनाना चाहते थे उससे साले माफी मंगवा रहे हैं। अभी सवेरा है, माफी मांगो और निकल लो पतली गली से। अच्छा, अगर मैं मांगूंगा तो तू दे देगी ना? तुझे माफी मांगना है, माफी मांगने का यहां से। ठीक है भाई। अच्छा, मैं माफी मांगने जा रहा हूँ, ध्यान से माफी देना भाई। और किस तरह माफी मांगेगा चरण सिंह? मैं मांग लेता हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ माफी मांगने का तरीका। अपने मुंह से बोलो, आए मेरी बहना। मैं पुष्पा को बहना बोलू? बोलेगा? बोलूंगा बोलूंगा। बोलो आए मेरी बहना, मुझे माफ कर दो। मैं इसकी बहन नहीं लगती हूँ, मैं इसकी बेटी लगती हूँ। ठीक है, हम अगर आप कहते तो आप बहन भी बोल दूंगा। ये कौन है आपका? अरे चाचा। बे चाचा, तू कैसा कलयुगी चाचा है यार, कैसा कलयुगी चाचा। ठीक है, माफी मांग। ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूँ। पुष्पा, अरे आगे तो बढ़ो। वाह, इसको देखता हूँ यार तो दिल में कुछ कुछ पीर होने लगता है। ले, ले, ले। ठीक है, ठीक है, मैं माफी मांग रहा हूँ। मेरी जान पुष्पा, मुझे अगर अब की दोबारा बोला ना तो समझ लो बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं माफी मांग रहा हूँ। बेटी पुष्पा, मेरी गलती को जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रहे आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करना, नहीं तो मैंने तो छोड़ दिया, कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पुष्पा, ओ श्यामू, जा तो रहा हूं लेकिन कान खोल कर सुन लो, इस गलती का अंजाम अगर तेरे खानदान से न चुकाया, तेरे खानदान को अगर चला कर राख न किया, और पुष्पा अगर तुझे मौत का झूला ना झुलाया तो हमारा नाम ठाकुर चरण सिंह नहीं है। वही तो गए, एक और मोहनो चवा है साला भोसड़िया वाला। खरे है, इधर आ। तेरा उसको पकड़ के लाओ। ये बताओ, शुतुरमुर्ग की औलाद तू अपने इस ज्वालागढ़ की रियासत में बहन बेटियों को सताता? नहीं भैया, जान करिस भाई लम्बर दरवा करिस चरना सिंह, हम कुछ नहीं करा भैया। तूने कुछ नहीं किया? हम कुछ नहीं करा। जब तूने कुछ किया नहीं तो वहाँ क्यों छुपा था? ये झूठ बोला है, ये मेरा ऐसे ऐसे करता था, मुझे पकड़ रहा है। क्यों रे हरामजादे, तेरी माँ कोई गंजे के पास गई थी क्या? है तकले की औलाद।
चल निकल यहाँ से। मुसाफिर मैं तो तुम्हें नहीं जानती, लेकिन आज सेवक के पाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं देवी जी, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहती हूँ। थका ही यार, भोग के मारे सारे का हमार गाड़ निकल दिया है। अब बताओ कहूँ पानी पाए जाए या सोसा ओसा पाए जाए, कुछ खाए। देखो अगर तुम्हें प्यास लगी ना तो यहाँ कुछ दूर पे जाओगे तो झील मिलेगी, वही पानी पीकर तुरंत आना। नहीं नहीं देवी जी, हम लोग चले जाएंगे रास्ते में पानी पीएंगे दोनों लोग। थोड़ा आपसे बातें करना है मुझे। अच्छा जो आप क्या बातें करना देवी जी। अरे आपने इतना बड़ा एहसान किया है, कम से कम मेरा फर्ज तो आपको धन्यवाद कहना। नहीं देवी जी, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ। दो मिनट का टाइम है, हम बैठा है, किसान बनाई है और काम न करवाए, फरुहा बाजी न करवाए, खेती बाड़ी न करवाए, जो खाप का कटहार। हमारे साथ में और यह तानी किया, हमारे साथ में और यह तानी किया, भारी है और आप है जो मुसाफिर, आप है देवता पुष्पा बनी खुदा। देवी जी इसमें एहसान की कोई बात नहीं। इसमें एहसान न देवी जी कुछ हमारा है, इसमें एहसान न देवी जी हमारा है। ओ किया जितना वही होता मुझे गवारा है। मुसाफिर सबसे पहले बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। देवी जी मैं ही ज्वालागढ़ का और हरगू किसान का बेटा, मेरा नाम श्यामू है। आपका बहुत प्यारा नाम है। लेकिन देवी जी आपका क्या नाम है। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा। और मैं इसी ज्वालागढ़ की रहने वाली, मेरे पिताजी का नाम बलवीर सिंह। बलवीर सिंह की बेटी है। जो जमींदार है मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा अच्छा। और मुसाफिर कोई मतलब अपने यहाँ रियासत के ठाकुर बलबीर सिंह के बिटिया बड़े ठाकुर की बेटी हैं। चलिए ठीक है देवी जी, हम लोग चलते हैं, आप अपने महल जाइए। अब आप कहाँ जाइए यार। खुशीराम भैया, अरे दियाली पर ही हमारा पड़का फूटे पड़ा पट। खुशीराम भैया अब हमको समय भी हो रहा है और इनको अब रास्ते में कोई खतरा भी नहीं है, इस वजह से हम तुम चले। खतरा उनसे नहीं ना, खतरा इनसे ये खड़ा है, मान लिया। चलो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहती हूँ। कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज तो नहीं हैं। ऐसी क्या बात है जिससे मैं नाराज होगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारे कैसे लात रे दे करा जा बनो,
सुन रही हैं। अरे दागता मन पे अपने लगाओ नहीं, तेरी बातों में हर किसी मैं आमो नहीं। वैसे बेवफा आदमी है, आयो ना हम। देवी जी, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन कमबख्त निभाता कौन? मुसाफिर, रुक जा चली है मुसाफिर। अरे हम पंच ही आन का करे आवाहन, तुम अपन डाउन कर, ए लौंडे डाउन कर, डाउन कर वीडियो। ये आ गए अमरजीत। मुसाफिर सच कहो, बोलो देवी जी, तो आप इस वक्त पे आकर मेरी इज्जत बचाई है, मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें देखा है ना, मुझे कुछ कुछ होने लगा है। अरे देवी जी आप क्या कह रही हैं? हाँ देखिए देवी जी, आप एक जमींदार की बेटी हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ, आपकी और मेरी कहाँ मोहब्बत हो सकती है? आसमान और धरती का जोड़ कभी नहीं होता देवी जी। अगर चाहोगे तो होगा, क्योंकि प्यार अंधा होता है, प्यार ऊंच नीच कुछ नहीं देखता, जा मनाए। अरे दिल आ गया तो आ गया, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन नहीं देवी जी, हमको भरोसा नहीं है। अगर आप प्यार नहीं करोगे ना, तो कसम खा के कहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। मर जाओगी, मर जाओगी। अरे खुशी राम भैया, ये देवी जी कह रही हैं हाँ कि अगर आप प्यार नहीं करोगे हाँ तो मैं मर जाऊंगी। हे लौंडे वीडियो वाले, तो कहा थी ये देवी जी? बता रही हैं हाँ कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे हाँ तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन खुशी राम, मैंने कभी मरते हुए इंसान को देखा नहीं। नहीं हम तो देखा है, हम तो देखा है को जनियाबाद के लम्बेरी चला है, और का करी है कि कही है हमका भतार यही पसंद है, और पता लागत है कि लौंडा जो उन्हें अपन हाथ गोट बिलियर से काट डावत है, और लौंडिया काद कुआइंदा रम फाट गए। ए भैया, मैं ब्लेड से चीने वाली लड़की नहीं हूँ, अगर नहीं मानेंगे तो मैं सीधा जान दे दूंगी। हम जान ली ना, तुम ब्लेड से न चिरी हो, मुला पक्का चिरवाई गई हो तो। अरे मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। हाँ वही तो हम बताया है कि तुम चिरवाएगे तब वही मरी हो। देवी जी आप जान दे दोगी, चलो मरो, कम से कम हम भी तो देखें। अरे रुक जा, अरे रुको भैया, कोई नहीं मरेगा खुदी। अरे क्या बात करते, मान लियो मर गया भी टिहनी तो 306 मर गए तो तुम दोनों लोगों को फंसा के मरूंगी। हमका सुने, 376 के केस लागे हमें तुम्हारे ऊपर, और 7 साल कैद हुए। जो होएगा देखा जाएगा, ये मरे तो पहले। सही में मैं मर जाऊंगी, कैसे बेदर्द इंसान हो। मरो, हम भी तो देखें इंसान मरता कैसे। तो तुम प्यार नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊं? मर जाओ। सही, मर जाओ, मैं कसम से मर जाऊंगी। बिल्कुल मर जाओ, कसम से मर जाऊंगी। मर जाओ, मरो ना, इसमें बातें क्या कर रहे हो। क्या करूं सच में, अगर प्यार नहीं करेंगे तो मरना पड़ेगा। ये सही में मर जाऊंगी, प्यार कर लो ना। नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं करूंगा। अगर तू प्यार नहीं करोगी तो कसम तुम्हारी मैं मर जाऊंगी। नहीं करोगे? नंबर एक, नंबर दो, वादे देवी जी।
अरे देवी जी, अब मुझे यकीन हो गया कि हकीकत में तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत है। आखिर जब प्यार नहीं करना था तो मुझे बचाया क्यों? अरे लौट जाने दिया होता उसी समय जिस समय वो हराम ज्यादा मेरी इज्जत लूट रहा था। अरे जब उस समय नहीं बचाया, उस समय मुझे बचा लिया तो अपनी चोलों में थोड़ी जगह देने में क्या तकलीफ थी तुम? और वैसे भी अगर प्यार नहीं करना था तो मुझे बचाया क्यों? नहीं देवी जी, मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूं देवी जी।